चलो भाई, आपका पेटीएम अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है, तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं। आप जो है तुरंत के तुरंत अनब्लॉक करा सकते हैं, 24 से 48 घंटे में अनब्लॉक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जो है उन लोगों को FIR कॉपी मांगा जाता है, तो FIR कॉपी नहीं ला पाते हैं। तो FIR कॉपी जिनको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिल पा रहा है, आप लोग जो है बहुत दूर से हैं, आपको गुजरात पुलिस से हुआ, या तो छत्तीसगढ़ पुलिस से हुआ, या तो हैदराबाद पुलिस से हुआ, या तो जो है आपको जो है दिल्ली पुलिस से हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके को एक बार जो है करके देखिए। इस तरीके से आप करोगे तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना होगा, किस प्रकार से आप अनब्लॉक कर सकते हैं, चलिए विस्तार से आप लोग बताए थे। अगर आप पेटीएम अकाउंट, एक जो बंदा है मेरे को DM किया था कल के रात में, मेरे को DM किया था, उसने बहुत रात तक बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे को 10 महीने करीबन करीबन हो गया, मेरा पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और अनब्लॉक नहीं हो रहा है। तो उनको मैंने जो है डॉक्यूमेंट मंगाया। डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैसे जो है उसको जो है किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, तो उसने जो है मेरे को कल स्क्रीनशॉट भी भेजा था, मेरे को कल कल के डेट में स्क्रीनशॉट भेजा था कि आपने कैसे, मैंने पूछा कि किस प्रकार से उसको जो है आपने जो है रिक्वेस्ट डाला था, किस प्रकार से आपने किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि डायरेक्ट पे जाके, ट्विटर पे जाके वो ट्वीट करने लग गए कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, अनब्लॉक करा, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए, अनब्लॉक करा, ऐसा करा जो है। उन्होंने जो है ट्वीट किया था, कई बार इंग्लिश में ट्वीट किया था, हिंदी में ट्वीट किया था, कई बार उन्होंने ट्वीट किया था पेटीएम को। लेकिन दोस्तों उसका जो 10 महीना हो गया, 10 महीने से करीबन करीबन हर महीने में दो दो कम से कम ट्वीट किया होगा, दो 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 पर ट्वीट किया होगा। तो उसने जो है 10 महीने हो गया, 10 महीने से ट्वीट करता रहा, लेकिन उसका अकाउंट अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से करोगे तो 101% दोस्तों आपका पेटीएम अकाउंट जो है अनलॉक हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पेटीएम जो ब्लॉक होता है, दो केसेस में ब्लॉक होता है। एक तो जो है बताओ दोस्तों किस प्रकार से ब्लॉक होता है। मान लो अचानक आपका कहीं से पैसा आ जाता है, मान लो अचानक किसी ने पैसा भेज दिया, आपके दोस्त ने, घर वालों ने, पड़ोस वालों ने, जिसने पैसा भेज दिया, अचानक से ज़्यादा अमाउंट के पैसा भेज दिया, तो उसमें टेम्परेरी ब्लॉक होता है। वो जो है आप जो है तुरंत के तुरंत उसको अनब्लॉक करा सकते हैं। आपको क्या करना रहता है कि आप जो है सिंपल सा करना क्या रहेगा, आपको सिंपल सा दोस्तों आपको करना क्या रहेगा, आपको सिंपल सा उसमें डॉक्यूमेंट जो है सेंड करना रहता है, KYC डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार से। तो जो तुरंत तुरंत अनब्लॉक हो जाता है। जिसका जो FIR कॉपी मांगा जाता है उनको क्या करना रहता है, तो उनको FIR का, जिनको FIR कॉपी मांगा जाता है, वो जो है रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है मेरा पैसा यहाँ से आया, मेरे दोस्त ने दिया था, मेरे घर वालों ने दिया था, मेरे पड़ोस वालों ने दिया था, और ये पैसा इन्होंने दिया था। उनका जो है एक स्क्रीन शॉट वहाँ से भी ले आइएगा, अपने दोस्त से, और एक स्क्रीन शॉट अपने से ले आइएगा। तो दो स्क्रीन शॉट हो गया, दो स्क्रीन शॉट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे केसेस में जो है पुलिस जो है साइबर पुलिस से जो है आप लोगों को जो है FIR कॉपी मांगा जाता है, NOC मांगा जाता है, तो वो जो है आपके पास नहीं है, तो आप बार बार रिक्वेस्ट करेंगे पेटीएम को, बार बार ट्वीट करके, बार बार जो है मैसेज भेज के उनको जो है करेंगे ना, तो जो है मान जाएंगे और आपका अकाउंट को अनब्लॉक कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं, चलिए विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं ट्विटर को अपना एक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च बार में क्लिक करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सर्च बार, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा सर्च बार में आपको सिंपल टाइप करना है पेटीएम केयर। यहाँ दोस्तों पेटीएम केयर टाइप करना है, पेटीएम केयर टाइप करना है, और पेटीएम केयर टाइप करने के बाद दोस्तों ये जो पेटीएम का जो है इस प्रकार से खुल जाएगा। इसको फॉलो नहीं हो तो फॉलो भी कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैसेज वाला बॉक्स दिख जाए, इस मैसेज वाला बॉक्स पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने पहले भी एक बंदे का जो है अकाउंट अनब्लॉक कराया था, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इनका जो पेटीएम अकाउंट है, इनको जो है हमने जो है अनब्लॉक करा दिया था। कब अनब्लॉक किया था इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो है आप ध्यान से देखिए, इसका हमने अनब्लॉक करा दिया था, ठीक है। पेटीएम का ये बहुत परेशान था, ये बंदा भी बहुत परेशान था कि हमारा पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और जो है हम लोग जो है इसमें पैसा पड़ा हुआ है। तो हमने इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट डालने के बाद दोस्तों इनका जो पेटीएम अकाउंट है वो जो है अनब्लॉक हो चुका है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल से इसमें टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है माई पेटीएम क्वेश्चन ब्लॉक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ माई पेटीएम अकाउंट इस लिख देता हूँ ब्लॉकेड, ठीक है दोस्तों ब्लॉकेड, यहाँ पर माई पेटीएम क्वेश्चन ब्लॉकेड। इसके बाद नीचे में यहाँ पर माई अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ माई पेटीएम अकाउंट नंबर, यहाँ पर नंबर देता हूँ और जो भी नंबर है यहाँ पर डाल दे रहे हैं, और डालने के बाद दोस्तों इधर नंबर डाल दे रहे हैं, नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं प्लीज़ अनलॉक माई
पेटीएम अकाउंट, इस प्रकार से लिख देना है और उनको सेंड कर देना है। सेंड करने के कुछ समय बाद आपको डॉक्यूमेंट मंगा जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ से जो है अपलोड कर देना है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट है वो जो है अपलोड कर देना है। किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस प्रकार से खींचना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पर आपको वीडियो देखने को, उस वीडियो को देख लीजिएगा, देखने के बाद आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट जो है खींचना रहता है, उस खींच के जो है आपको अपलोड करनी रहती है। तो आप जैसे अपलोड कर देंगे तो 24-48 घंटे बाद जो है आपका जो है आपका पेटीएम अकाउंट जो है अनब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तरीका बता दिया किस प्रकार से करते हैं। चलिए आप लोगों को मैं जो है यहाँ पर फिलहाल प्रूफ बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है। डॉक्यूमेंट जैसे इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, गैलरी से आप फोटो जो भी आप फोटो खींच रहे हैं उसको अपलोड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड का सबसे पहले यहाँ पर डाल देता हूँ और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड मैंने डाल दिया, एक और फोटो ले आता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पर इसको सबसे पहले भेज देता हूँ इनको, इसको मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। अब सेंड कर दिया, अब सेंड करने के बाद फिर से इनका जो है डॉक्यूमेंट यहाँ से उठा ले जाता हूँ, जैसे कि दोस्तों इनका पैन कार्ड उठा ले जाता हूँ, पैन कार्ड को भी भेज दिया। इसके बाद इनका फिर से जो है स्टेटमेंट को यहाँ पर उठा ले जाता हूँ, स्टेटमेंट को भी यहाँ से मैं इनको सेंड कर दिया, ठीक है। मतलब जो है बारी बारी से इनको सब कुछ सेंड कर दिया, देखिए सेंड कर दिया, सब कुछ सेंड कर दिया, इनको पैन कार्ड सेंड कर दिया, आधार कार्ड सेंड कर दिया और जो है यहाँ पर इनका जो नंबर है वो सेंड कर दिया और सब कुछ सेंड कर दिया, इनका जो सब कुछ है इनको सेंड कर दिया। आपको बस क्या करना है, उनको भी जो है यहाँ पर जो है करना क्या होगा, सब चीज़ आपको इसी प्रकार से सेंड कर देना है।